10-11 बजे करीब एसएससी में जो एसआई की जगह निकली है, फॉर्म डालने के लिए गया था गोरेई। तो जब चला गया तो वो देर रात शाम वापस नहीं लौटा, तो उसकी जानकारी की गई। जब उसमें फ़ोन मिलाया तो फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। शाम को जब दोबारा फ़ोन मिलाया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसको रात भी देखभाल की गई, कहीं नहीं आया। तो वो हो सकता है हमने मान लिया परिवार जनों ने कहीं रिश्तेदारी में कहीं अपने मिलने जुलने के रुक गया होगा। जब रात को भी घर वापस नहीं आया, सुबह हम लोगों ने उसको देखा, जानकारी की कि अगर भाई रात में वापस नहीं आया तो उसको ये तो देखो है कहाँ। तो फिर सुबह हम जैसे परिवार लोग सारे लोग उधर उधर देख रहे थे, तो देखते देखते हमारे गोरे के समीप करीब 1 किलोमीटर दूर पर कॉलेज है, बंद पड़ा है। वहाँ कुछ बच्चे मैच खेल रहे थे, उनके द्वारा हमें पता लगा कि एक वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको हमने वहाँ जाके देखा तो हमारा भाई था, उसकी कमर में गोली लगी हुई थी। क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, पिताजी का नाम क्या? हेमंत, उनके पिताजी का नाम तजपाल सिंह और रणवीर सिंह था, निवासी गोरी के रहने वाले थे और वो BTC कर रहे थे, प्रेम महाविद्यालय इगलास रोड अलीगढ़। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आखिरकार? नहीं, मर्डर हुआ है, कुछ लोगों ने उनका मर्डर किया है, कमर में गोली लगी है। मर्डर और क्या हो सकता है, जैसे आदमी को पीछे से गोली मारी गई है और क्या हो सकता है इसमें। और अब आप कहाँ पर आए हुए हैं? अब हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं, पोस्ट हाउस हैं अलीगढ़। नहीं, पुलिस को ये जो घटनाक्रम है वो हमने बताया है, उसमें हमने ये पुलिस वालों ने हमको ये आश्वस्त किया, अधिकारी लोग मौके पहुँचे हैं, SPRA साहब पहुँच रहे हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है। लेकिन हमने उनसे ये अपेक्षा की है कि हमारे जो भाई का जो मर्डर हुआ है वो घटना जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। अब देखें पुलिस कहाँ कितनी कार्रवाई करती है, उसमें कितना पर्दाफाश करती है। अगर हम ये वायदा करते हैं कि अगर हमारी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ, राज नहीं। सर, मर्डर का घटना है, क्या घटना? ये थाना इगलास क्षेत्र में गोरेई चौकी जो है उसमें कस्बे में आज सुबह हमको सूचना मिली थी कि एक कॉलेज है यहाँ पर MTS पॉलिटेक्निक जो बंद पड़ा हुआ है, उसके कमरे में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। हमने तुरंत मौके पर तीन पुलिस की टीम पहुँची, चौकी की, थाने की, फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और वहाँ से मौके पर हम लोगों ने बॉडी को डिस्पोज करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया। सर, बताया जाता कोई हथियार असला भी बरामद हुआ वहाँ से? हाँ, जो मौका वारदात से हमें एक कट्टा भी बरामद हुआ है देसी, जिसमें कि जो इसके बैग से रिकवर हुआ है उसमें एक खोखा भी है, एक चली हुई खोखा भी मिला हुआ है।